अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। मैं मेरे चैनल शेफ शहनाज में आप सबका वेलकम करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ हैदराबाद स्पेशल चिकन बिरयानी। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ चिकन बिरयानी, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके लिए वीडियो आप पूरे एंड तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए बनाते हैं चिकन बिरयानी। इसके लिए हमें चाहिए चिकन 750 ग्राम। चिकन को अच्छे से वॉश कर लीजिए और चिकन के लेग पीसेस को इस तरह से कट लगा लिए ताकि मसाला पूरा अंदर तक अच्छे से पहुंच सके। अब चिकन में हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले डालेंगे नमक 1/2 टीस्पून, लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 नींबू का जूस डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 3 बड़े साइज की प्याज इस तरह से बारीक कट कर लीजिए। तेल चाहिए हमें 100 ग्राम, क्योंकि हम बिरयानी बना रहे हैं इसमें थोड़ा तेल ज्यादा लगेगा। घी 50 ग्राम, दही 150 ग्राम, बासमती चावल 850 ग्राम, बिरयानी मसाला 1 टेबल स्पून, ये ऑप्शनल है, 1/2 टीस्पून शाजीरा, दालचीनी चाहिए हमें एक बड़ी सी, इसे इस तरह से तोड़ लीजिए, 5 इलायची, 7 लौंग, बारीक कटा हुआ कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची चाहिए हमें थोड़ी। हरी मिर्ची को आप इस तरह से बीच में से कट कर लीजिए। 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हरी मिर्ची पीसी हुई, 1 टीस्पून चिकन मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, दूध में भीगा हुआ केसर, और ये बिरयानी कलर येलो कलर। चिकन 1 घंटे तक मैरिनेट होने के बाद अब हम इसमें दही डालेंगे। अब हम इसमें ये मसाले डालेंगे। मैरिनेट करते हुए भी हमने थोड़ा सा मिर्ची, नमक, गरम मसाला सब डाल दिया था, अभी हम इसमें और थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि ये बिरयानी है इसमें हम लेयर्स बनाते हैं, पहले बिरयानी फिर उसमें थोड़ा फ्राई की हुई प्याज डालते हैं, तो इसमें देरी जो हम मिर्ची डालते हैं उसे थोड़ी सी मिर्ची नमक बिरयानी में हम ज्यादा डालेंगे। बारीक कटा हुआ कोथमीर, पुदीना, थोड़ी सी प्याज डालेंगे। बिरयानी मसाला, इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। आप चाहो तो इस तरह से ऐसे मसाले लगाकर ओवरनाइट भी इसे मैरिनेट होने के लिए रख सकते हो। बिरयानी के लिए प्याज फ्राई कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हम अच्छे से गोल्डन कलर आए तक फ्राई करेंगे।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ देर से ऐसे ही फ्राई होने के लिए रखेंगे, उसके बाद फिर से हम इसे आराम से हिला लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो रहा है, हम इसे एक बार ऐसे हल्के से फिरा लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज हमारी फ्राई हो रही है। इस तरह से आप चमचे से हिलाते रहिए वरना प्याज जल जाएगी। प्याज हमारी फ्राई हो गई है, हम चूल्हे को बंद कर देंगे और प्याज को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज कितने अच्छे से फ्राई हो गई है, आप भी इसी तरह से फ्राई कर लीजिए और चिकन बनाना स्टार्ट करेंगे। प्याज फ्राई की हुई तेल में ही हम चिकन को पका लेंगे। सारे चिकन के पीसेस इसमें डाल देंगे। मसाला भी इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, हमने जो दही डाला था उसका ही पानी बहुत छूट जाएगा पकते हुए, तो हम उसे दही के पानी में ही हम इस चिकन को पका लेंगे। चिकन को हम हाई फ्लेम में अच्छे से पका लेंगे। चिकन हमारा अच्छे से पक रहा है, हम दूसरे चूल्हे पे जब तक चावल की तैयारी कर लेंगे। एक बड़े से बर्तन में 5 लीटर पानी लेंगे, उसे इस तरह से अच्छे से पका लेंगे। 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे, शाहजीरा, दालचीनी, लौंग, इलायची ये भी डाल देंगे। बासमती चावल को आधे घंटे के लिए भीगने रख देंगे। चिकन अच्छे से पक रहा है, हम इसे एक बार ऐसे मिक्स कर लेंगे। हमें चिकन को पूरा ड्राई नहीं करना है, हमें थोड़ा मसाला इसका रखना है। आप देख सकते हैं इसमें दही का पानी कितना छूट गया है, इसीलिए हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि दही का पानी पकने के बाद बहुत छूटने लगता है। अगर आप चिकन पकने के लिए पानी डालेंगे तो चिकन हमारा पूरा गल जाएगा, इसलिए ये बात ध्यान रखिए आप इसमें पानी बिल्कुल भी मत डालिए। अब हम इसे और 4-5 मिनट तक पकाएंगे, मसाला थोड़ा सा ड्राई होने तक। हमें मसाले को बिल्कुल भी पूरा नहीं पकाना है, मसाला थोड़ा रहना चाहिए। आप देख सकते हैं दही का पानी भी अच्छे से सूख गया है, हमें इस तरह का मसाला चाहिए। आप देख सकते हैं पानी अच्छे से पक रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा कोथमीर, पुदीना और हरी मिर्ची डालेंगे। बासमती चावल जो हमने आधे घंटे के लिए भीगने रखे थे वो भी इसमें डाल देंगे। अब इस चावल को हम 70% तक पका लेंगे। चावल को बीच बीच में ज्यादा मत हिलाते रहिए वरना चावल टूट जाएंगे। कवर करके 5 मिनट तक पका लेंगे। चावल 70% तक पक गए हैं, हम इसे निथाल लेंगे। आप देख सकते हैं चावल को मैंने अच्छे से निथार लिया है,
अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा सा बर्तन लेंगे, उसमें पहले चावल की लेयरिंग करेंगे, फिर चिकन की लेयरिंग करेंगे। चलिए दिखाती हूँ। इस तरह से हम एक लेयर चावल की डालेंगे, हम इसमें एक लेयर चिकन की डालेंगे। फ्राई की हुई प्याज डालेंगे इस तरह से ऐसे तोड़कर। दोबारा से चावल की लेयरिंग डालेंगे। चिकन को अच्छे से कवर कर लेंगे। हम फिर से एक लेयर चिकन की डालेंगे। मसाले को अच्छे से फैला लेंगे। फिर से दोबारा हम इसमें फ्राई की हुई प्याज डालेंगे। दोनों हाथों से इस तरह से तोड़ के डाल लेंगे, अच्छे से फैला लेंगे। कटा हुआ कोथमीर पुदीना डालेंगे। फिर से एक लेयर चावल से डालेंगे और चिकन को अच्छे से कवर कर लेंगे। ये हमारी लास्ट लेयर है। अब इसमें घी डालेंगे। घी डाल के अच्छे से फैला लीजिए। केसर वाले दूध में हम थोड़ा सा बिरयानी कलर मिलाएंगे। मिक्स कर लेंगे और ये भी डाल देंगे। केसर भी डाल देंगे। फ्राई की हुई प्याज डालेंगे थोड़ी। कटा हुआ कोथमीर पुदीना डालेंगे, अच्छे से फैला लेंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे और बिरयानी को दम दे देंगे। गैस ऑन कर लेंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में बिरयानी को दम कर लेंगे। आप देख सकते हैं भगोने में से अच्छी भाप निकल रही है। अब फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे 1-2 सेकेंड के लिए, उसके बाद ऑफ कर देंगे। बिरयानी हमारी रेडी है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आया हमारी बिरयानी का और चावल भी कितने खुले खुले बने हैं। चिकन भी आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट गला है, माशाल्लाह। साथ में दही की चटनी, कटे हुए प्याज, टमाटर, खीरे, इसके साथ तो बिरयानी का मज़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इंशाल्लाह आप सबको ज़रूर पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। दही की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए दही 50 ग्राम, बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट, कोथमीर पुदीना चॉप किया हुआ। दही को हम पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें प्याज टमाटर ऐड करेंगे। नमक, जीरा पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट, कोथमीर पुदीना ये भी ऐड कर लेंगे। बारीक चॉप किया हुआ खीरा डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें थोड़ी चॉप की हुई हरी मिर्ची भी डाल सकते हो।
सुनते हैं कि चटनी रेडी है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।